I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. ये पे गए बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी. ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग आखिर कहाँ होगी? रैम्बो रीमेक के वॉर सीन्स को कैसे किया जाएगा मैनेज? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज. सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ ने एक पोस्ट शेयर की और उस वीडियो में ये बताया कि एक मैचो मैन भी कैसे कुछ विषय परिस्थितियों में झुक सकता है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फनी वे में उन्होंने वीडियोस क्लिप थोड़े थोड़े डाले जिसमें वो कैसे बता रहे थे कि वो एक सीन कर रहे हैं जो कि स्टंट सीन था और वो उसके लिए काफी रिटेक्स भी दे रहे हैं. पहले क्लिप में तो ये दिखाया जा रहा है कि टाइगर शर्टलेस है और वो एक स्टंट सीन करने जा रहे हैं सेट पर, लेकिन तेज हवा की वजह से वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से वो पूरा सीन रिटेक पर चले जा रहा है. वहीं दूसरी वीडियो में टाइगर श्रॉफ एक शर्ट को फाड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उस काम में भी वो फेल हो जाते हैं. और दोनों वीडियो उनकी अपकमिंग फिल्म रैम्बो के लिए रिहर्सल स्टंट्स वीडियो है जिसमें टाइगर श्रॉफ बार बार एक्शन स्टंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बार बार फेल हो जा रहे हैं. बता दें कि इस रैम्बो फिल्म में टाइगर श्रॉफ के 5 गुना एक्शन मोड में वो दिखाई देने वाले. टाइगर की अपकमिंग फिल्म रैम्बो की बात करने से पहले उनकी ओरिजिनल फिल्म जो कि थी सिल्वेस्टर स्टालोन की फिल्म रैम्बो की हम बात कर लेते हैं. इस फिल्म में ओरिजिनल फिल्म में सिल्वेस्टर स्टालोन ने एक्शन के साथ साथ इमोशनल का कॉम्बिनेशन भी अच्छे से निभाया था और उनकी एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक हर एक काम परफेक्ट रहा था और उनके साथ कई और किरदारों ने भी काम किया था जिन्होंने बहुत ही बखूबी से उनका किरदार निभाया था. बता दें रैम्बो 1982 में रिलीज हुई एक ऐसी एक्शन फिल्म थी जिसमें हमें एक युद्ध की चर्चाओं में हमें दिखाया गया था कि कैसे युद्ध से पहले, युद्ध के वक्त और युद्ध के बाद कैसे इफेक्ट्स होते हैं और हर एक एक्शन से उन्होंने रूबरू करवाया था. और इस फिल्म में सिल्वेस्टर स्टालोन ने एक्शन के साथ साथ इमोशनल का कॉम्बिनेशन दिखाया था दर्शकों को, वो तो काफी काबिले तारीफ भी था. सिल्वेस्टर स्टालोन की इस फिल्म को कनाडा और उसके आसपास के एरिया में शूट किया गया था. उनकी ओरिजिनल फिल्म सिल्वेस्टर स्टालोन के किरदार की, तो अब देखना ये है कि टाइगर श्रॉफ सिल्वेस्टर स्टालोन के किरदार को टक्कर दे पाएंगे या नहीं, कि आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं. और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ. तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहें दिल साफ.